माय चैनल अनीश गुप्ता की किचन। आज मैं आपको होममेड पिज्जा सॉस बनाने सिखा रहा हूँ। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए और अब हम गैस को जलाएंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। तेल को गर्म होने तक इसे रखेंगे। इसमें मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ तो उससे आपके माउथ को रिफ्रेशमेंट मिलेगी। जब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें अनियन डालेंगे। अनियन जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट से अनियन जल्दी ब्राउन हो जाएगा। जब आपको अनियन हो जाए थोड़ा सा उसमें गार्लिक डालेंगे। गार्लिक यानी लहसुन। पिज्जा सॉस में लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक ये तैयार होता है तब तक हम, ये मेरे पास टमाटो हैं, टमाटो को मैंने बॉईल करके रख दिया है। अब मैं इसकी स्किन को निकाल दूँगा। इस तरह हम चारों की स्किन को निकाल। अब देखिए हमारे अनियन हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। उसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। देखिए मैंने थोड़ा बेसिल लिया, फ्रेश बेसिल है ये, और जिसमें इंग्रेडिएंट की बात कर रहा था वो है ड्राई मिंट। अब इसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये हमारे पास ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ये मेरे पास रेड पेपरिका है, इसको भी डालेंगे हम।
अब हमने इसका पेस्ट कर लेना है। इसको ठंडा करने के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको पेस्ट कर देंगे। को हम पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया है सॉस का। अब इसको फिर हम दोबारा हीट पे ले जाएंगे। अब इसको हम कुक करेंगे। हमने सॉल्ट भी डाल दिया, हमने पेपर भी डाल दिया, हमने पेपरिका भी डाल दी, जिस वजह से इसका रंग थोड़ा लाल आ गया और टमाटर तो थे ही हमारे लाल। ये ऑर्गेनो ये अजवाइन के पत्ते होते हैं। इसके बीच में हम थोड़ी सी टमाटो केचप डाल देंगे। ये आपकी सॉस रेडी है। इसको ठंडा करके आप किसी जार में डाल लीजिए। मैंने गैस बंद कर दी और जब ये सॉस ठंडी हो जाएगी तो मैं सॉस को जार के अंदर डाल दूंगा और फ्रिज में डाल दूंगा। इसको मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ।